हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में कंपनी स्ट्रेटेजी का डिटेल मीनिंग आपके साथ लिया था। बहुत छोटा लेक्चर दिया था मैंने आपको, और उससे पहले स्ट्रेटेजी का मीनिंग और उसके सभी रिलेटेड एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चंस थे वो भी हमने आपके साथ अच्छे से कवर कर लिए थे। जब बेस हमारा अच्छे से हो गया है, अब हम चलते हैं आपके साथ डिटेल मीनिंग पे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, हमें लिखना क्या है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहला जनरल मीनिंग आप रखें, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है कॉर्पोरेट लेवल पर, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। द स्ट्रेटेजी विच आर डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस एट अ कॉर्पोरेट लेवल, और यू कैन से एट टॉप लेवल, कॉल्ड द ग्रैंड स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रेटेजी और डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, राइट? यू नो वेरी वेल देर आर थ्री लेवल्स इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, नेम एज टॉप लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल थ्री लेवल्स इन आर प्रीवियस लेक्चर्स। ये सभी लेवल्स पर डिटेल लेक्चर पहले ही यूट्यूब पर मिल चुका है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आपको यहाँ आई कार्ड पर भी दिखेगा। तो ये तो केवल जनरल मीनिंग था कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो कॉर्पोरेट लेवल पर, टॉप लेवल पर डेवलप की जाए किसी भी बिजनेस के द्वारा, तो उसको कहते हैं आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी या ग्रैंड स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रेटेजी या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे आप? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज अ ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। कीवर्ड क्या है? ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या बिजनेस का ग्रोथ डिजाइन बोले, बताए, तो उस स्ट्रेटेजी को आप बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, आपको ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव, उसकी डायरेक्शन, उसकी एक्सटेंट, उसका पेस, उसकी टाइमिंग सब बताती है। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव की क्या क्या बताती है? डायरेक्शन, ये आपको याद रख के जाना होगा क्योंकि एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है और आपको ये एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है, एक्सप्लेन व्हाई वी कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एज अ ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। So, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही ये मेंशन करना है, राइट? तो क्या लिखना है आपको? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, फिर डाल के कि डायरेक्शन है, एक्सटेंट है या पेस है। किसका है ये? फर्म्स की ग्रोथ का, राइट? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वर्डिंग लिखनी है। अभी हम नोटिंग से देखेंगे, शॉर्टली देखेंगे, अभी आप एक बार समझ लो। थोड़ी सी क्लैरिटी यदि इस कंसेप्ट की आपके माइंड के अंदर अच्छे से चली गई और आपको पता चल गया कि मुझे कैसे लिखना है, तो आपके लिए ये जो कंसेप्ट है वो भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हमने दो पॉइंट किए आपके साथ, एक बार दोबारा से देखते हैं। द स्ट्रेटेजी विच आर डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एट कॉर्पोरेट लेवल और टॉप लेवल, कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, और दूसरे नाम क्या है? एक मास्टर स्ट्रेटेजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी एंड डायरेक्शन स्ट्रेटेजी। ये तो जनरल मीनिंग था। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज अ ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। इट स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस ऑफ फर्म्स ग्रोथ। दैट्स इट। ये दो डेफिनेशंस आपने अभी पक्की की हैं, अच्छे से समझी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट देखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल जो अचीव करना है वो कौन बताता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। और साथ में किस तरीके से ये गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएंगे उसको भी हम कहाँ या कौन सी स्ट्रेटेजी से ध्यान में रखते हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से। तो आप क्या कहेंगे? जो भी आपके गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप चाहते हो लेना, प्राप्त करना, अचीव करना, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव,
और साथ में एक और बात कि किस तरीके से ये गोल एंड ऑब्जेक्टिव आप अचीव करोगे, द वे थ्रू विच इट कैन बी अचीव्ड इज बेसिकली कंसिडर्ड बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो साथ में क्या लिखेंगे, द वे थ्रू विच इट कैन बी अचीव, इट मीन्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कौन से गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और उनको किस तरीके से अचीव किया जाएगा, किसके थ्रू हम कंसीडर करते हैं, ओनली एंड ओनली कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के थ्रू, बेसिकली कंसीडर्ड बाय कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो ले रहे थर्ड डेफिनेशन भी अच्छे से, एक डेफिनेशन की कि भाई आप जब भी कॉर्पोरेट लेवल पर कोई भी स्ट्रेटजी जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दूसरा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म है विच स्पेल आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन एक्सटेंड पेस ऑफ फर्म्स ग्रोथ। थर्ड, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड द वे थ्रू विच इट कैन बी अचीव्ड इज बेसिकली कंसिडर्ड बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो ये है आपका मीनिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का जो आपको लिखना है। एटलीस्ट ये 3 लाइनें तो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। यदि पेपर में कभी भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मास्टर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, सबसे पहले स्ट्रेटजी की एक डेफिनेशन लिख देंगे अच्छे से एंड देन फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ये 3 लाइनें लिख देंगे, राइट। ये था आपका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। अब इससे रिलेटेड आपके और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, डिफाइन द फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो आपका हो गया कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का इंट्रोडक्शन मीनिंग, और अभी मैंने आपको बोला कि फीचर्स या फैक्टर्स किड्स, एक आ सकता है नेचर एंड स्कोप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, नेचर बोले या स्कोप बोले, तो उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपको क्या कहना चाहती है, जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म है, क्वेश्चन बन के आ गया आपका व्हाई वी से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज अ ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म, तो उसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे, तो वो भी डिटेल में मैंने आपको उसी लेक्चर में समझाया है। या एक क्वेश्चन आ सकता है आपका व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंश्योर, तो ये सब आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये सब मैंने आपको ऑटोमेटिकली पहले ही के लेक्चर्स में कवर करवा रखे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इनको कवर नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि उनको एग्जाम से एटलीस्ट पहले उनको कर लेना। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से हम आगे बढ़ते हैं, आप होंगे कोई और क्वेश्चन बनते हैं क्या इससे रिलेटेड, चलो उसकी भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का एक प्रोसेस आ सकता है ओल्ड सिलेबस के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का प्रोसेस। अब कहेंगे न्यू सिलेबस के स्टूडेंट, न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आएगा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस बताइए, चैप्टर नंबर 3 में न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को दिया गया है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस की बातें, राइट। ये 5 स्टेजेस क्या हैं एक बार मैं डिक्टेट करवा देती हूँ, नेम ओनली, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स में मिल जाएगी फॉर श्योर, बहुत अच्छे से सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ दी गई है। अभी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप में से जिन स्टूडेंट ने देख लिया तो उनको एक बार ये पता चल जाएगा कि हमें दोबारा देखना है या नहीं देखना है, राइट, हमें याद है या नहीं है, तो उनका टाइम सेव हो जाएगा, इस कारण से एक बार बोल देती हूँ। पहला था आपका डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, दैट मीन्स विजन को आपको क्या करना था, डेवलप करना था, विजन डेवलप करने के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव को आपको सेट करना है, राइट। उसके बाद आप करते थे स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करना, यानी क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, ताकि आप इन ऑब्जेक्टिव और विजन को अचीव कर सको। जब आपने स्ट्रेटेजी को बना लिया, क्राफ्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या करोगे, अभी तो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, अभी उसको एक्शन में तो लिख के नहीं आए, अभी तो प्लानिंग चली थी, सिर्फ प्लानिंग तक का काम था अभी तक, तो यहाँ तक तो सिर्फ प्लानिंग थी। अब उसके बाद आप क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, यानी कि एक्शन में तो अब आए हो आप, इम्प्लीमेंट करोगे उसको, एग्जीक्यूट करोगे, राइट। एग्जीक्यूट करने के बाद ही तो है नहीं कि आपका जितना स्टैंडर्ड था, जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, आपको उसका डिफरेंस डेविएशन वगैरह भी देखने होंगे, तो उसके लिए लास्ट स्टेप होता था आपका मॉनिटर करना, इवेलुएट करना था आपकी परफॉर्मेंस को, ताकि आप करेक्टिव एडजस्टमेंट ले पाओ, यानी कंट्रोल कर पाओ, सिंपल भाषा में क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो ये 5 स्टेजेस थी, जिसको बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या है, इस तरीके के सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लिया है, तो
ठीक है, वहां से आप देख लेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब लेक्चर में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की तीन डेफिनेशन ली है, क्या हम इसके एक्स्ट्रा में कुछ बातें लिख सकते हैं क्या? अब मेन डिस्कशन इस पे है। मैं ना तो आपको फीचर्स बताऊंगी अभी यहाँ पर, ना नेचर, ना स्कोप, इंश्योर भी नहीं बता रही हूँ, ना प्रोसेस बता रही हूँ। ये सब मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, इसके एक्स्ट्रा में क्या है वो बता रही हूँ। अब हम एक्चुअल में आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अल्टरनेटिव्स पर, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, इनकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड में कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर में उसको क्या लिखोगे आप, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेटर हो जाएगी। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, ताकि आपको इस तरीके से टीच करें, इस तरीके से पढ़ाएं, ताकि आपकी कम से कम मेहनत में आपकी जो सक्सेस है, आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एश्योर हो जाए। हम चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, किसी भी तरीके से जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, चाहे ऑनलाइन है, कैसे भी है, उनका रिजल्ट सक्सेस होना चाहिए बस। तो उसके लिए जितनी मेहनत होगी हम करेंगे। आप मेहनत कर रहे हो, हमें पता है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपके मेहनत में कमी नहीं है, कमी है गाइडेंस में कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें जरूरी हैं। पूरा का पूरा पेज है आपके पास, मान के चलो पूरा का पूरा पेज है, आपको क्या पता इसमें से कौन सी लाइन मुझे एग्जाम में लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है, ये कौन बताएगा आपको? या तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि हाँ भाई आईसीआई आपकी ये वाली पॉइंटों को हाईलाइट करेगा, ये नहीं करेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बोली हैं, एटलीस्ट उनको तो एग्जाम में लिख लेना। आप अपनी जो भी नोटिंग है या जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें हाईलाइट कर लें, आपको ये लाइनें मिलेंगी, क्योंकि हमने सारा का सारा आईसीआई का मटेरियल ही लिया। फोर्थ बुलेट पॉइंट आप लिख सकते हैं, अब ध्यान रखना अल्टरनेटिव्स की कहानी स्टार्ट है। कभी भी अल्टरनेटिव्स आता है तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी, ये मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है। तो इंट्रोडक्शन में ये थ्री लाइंस में से एनी टू लाइंस आपको लिखनी है, जो मैंने अभी आपको समझाया, एटलीस्ट कम से कम टू तो लिख देना। ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म की लाइन लिख दें, या फिर ये तो बहुत सिंपल लाइन है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वो है जो टॉप लेवल पर डेवलप की जाती है किसी भी बिजनेस में, तो ये दो डेफिनेशन तो एटलीस्ट लिख दें। उसके बाद टाइम है तो ये थर्ड डेफिनेशन लिख के आना, अदरवाइज जो अभी मैं बोल रही हूँ वो तो मस्ट है, वो लिखेंगे आप। क्या है कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है जो, या ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, वो आपके हर एक लेवल पर चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे वो बिजनेस लेवल हो, चाहे वो फंक्शन लेवल हो, या SBU हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उसका थोड़ा सा फीचर, SBU हमने मीनिंग और उसका फीचर अभी किया था लास्ट चैप्टर्स में, राइट? तो दोबारा से आएगा जरूर, लेकिन वहां से आप रेफर कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको SBU भी हो जाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि ग्रैंड जो स्ट्रेटेजी है या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है आर रिक्वायर्ड एट कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, राइट, और SBU लेवल नहीं है SBU, लेकिन आपका स्ट्रक्चर जरूर है ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप क्रिएट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल होंगे, तो उसके लिए एक में स्ट्रक्चर है। हम आने वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर की डिटेल डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। एक पार्ट है SBU, जैसे फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर है, डिविजनल लेवल स्ट्रक्चर है, ऐसे SBU है, आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर आता है, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। लगभग आपको 8 से लेके 9 स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं आपके सिलेबस में, इतने स्ट्रक्चर्स हैं। अभी के लिए लाइन सिर्फ समझनी थी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो सब लेवल पर चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर चाहिए होती है। कॉर्पोरेट लेवल तो बनता है, मीनिंग है कि ऐसी स्ट्रेटेजी जो ये कॉर्पोरेट लेवल पर बनाई जाए ना, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब जब तक ये स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी तो इसके नीचे वाले लेवल को आप डायरेक्शन कैसे दोगे, वो काम कैसे करेंगे? तो रिक्वायर्ड तो हर एक लेवल पर है, रिक्वायर्ड वर्ड बोला है, याद रखना, ठीक है? इसी कारण से फिफ्थ पॉइंट निकल के आता ऑटोमेटिकली, यदि इसको समझ लिया तो फिफ्थ पॉइंट आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। क्या है कि जो ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो आपको बेसिक डायरेक्शन देती है, राइट? बेसिक डायरेक्शन देती है। अब किसको देगी ये डायरेक्शन? राइट,
फंक्शन लेवल, बिजनेस लेवल, राइट, इन्हीं को डायरेक्शन देनी है। क्यों देती है, किसके लिए डायरेक्शन? फॉर स्ट्रेटेजिक एक्शन, ताकि वो एक्शन ले सके। भाई अब एक्शन क्यों लेना है? ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। दैट्स इट, बस हो गया, इनको जोड़ दो। ग्रैंड स्ट्रेटेजी प्रोवाइड बेसिक डायरेक्शंस टू द फंक्शन लेवल, बिजनेस लेवल, फॉर स्ट्रेटेजिक एक्शंस। अभी के लिए सिंपल समझ लो कि जो हमें एक्शन लेना है, जो हमें काम करने हैं स्ट्रेटेजिकली, तो उसके लिए बेसिक डायरेक्शन देती है। कौन देती है? ग्रैंड स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी देती है। क्यों ये काम करें? स्ट्रेटेजिक एक्शन हमें करने क्यों है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसलिए आप ऐसे लिखेंगे, टुवार्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो दोबारा से लाइन बोलू मैं, ग्रैंड स्ट्रेटेजी प्रोवाइड बेसिक डायरेक्शंस फॉर स्ट्रेटेजिक एक्शंस टुवार्ड अचीविंग द लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दैट्स इट, हो गया। अब इसके बाद लिखना, ग्रैंड स्ट्रेटेजी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या शामिल है। पूरा चार्ट बना दे तो बहुत ही बेस्ट है, यदि टाइम है तो, अदरवाइज चार नाम तो लिखने ही हैं। क्या क्या है वही अल्टरनेटिव्स भाई, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड लास्ट है कम्बिनेशन। ये मैंने आपको ऊपर पहले भी लिख के दे रखे हैं, वहां से देख लो। अल्टरनेटिव्स बोले कि, या फिर ये कहें कि ग्रैंड स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इंक्लूड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन, और दूसरा नाम बताओ। लास्ट लेक्चर में बोला था एक्सपेंशन का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ। कंफ्यूज नहीं हो जाना है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, और ये क्या नाम है? ग्रैंड स्ट्रेटेजी। बहुत स्टूडेंट ग्रैंड और ग्रोथ में पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं वहां पर सोचने का, वहां तो डायरेक्ट लिखना है। अब जरा सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ग्रैंड पूछा है, लिख के ग्रोथ आ गए, तो सिर्फ एक पार्ट लिख के आ गए, अब इनका क्या? अच्छा दूसरा उल्टा कर लो, ग्रोथ पूछा है और चल गए आपकी कहानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में, तो के लेंथी क्वेश्चन कितना हो गया, टाइम इतना बचेगा नहीं आपको, और क्वेश्चनों में दिक्कत आ जानी है। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट एंड लास्ट है फिर कम्बिनेशन। अब वन बाय वन करके नेक्स्ट लेक्चरों में हम एक एक को करते जाएंगे कंप्लीट, और आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपको थोड़ी इनमें जो कमियां थी, वो सब देखना लेक्चर जैसे जैसे आप देखते जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी कंप्लीट सॉल्व होती जाएंगी। जितने भी इसके एमसीक्यू मैक्सिमम निकल सकते हैं, वो सब के सब उन पॉइंटों के अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आपको अलग से एमसीक्यू जस्ट प्रैक्टिस के लिए करने होंगे, दैट्स इट, आपको सब टिक मार्क लगेंगे, क्योंकि हमने आपके आईसीआई की डिटेल वर्जन को पूरा अच्छे से समअप करके दिया है, तो उसके अंदर जितने क्वेश्चन निकलते हैं ऑटोमेटिकली ही निकलेंगे। जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको वो चार ऑप्शनों में से पहले ही पता होगा, अच्छा इसका आंसर यही आने वाला है। क्यों? कि हमने सब कर लिया भाई कवर, हमने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के मटेरियल को कॉपी पेस्ट किया ही नहीं है, हमने उसको वर्डिंग को इस तरीके से दिया है कि मैं एग्जाम में इसको लिखूं कैसे, ताकि मुझे बेस्ट नंबर मिल सके। आईसीआई मुझे बिना नंबर दिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ ही नहीं सकता। यदि मैंने एक पांच क्वेश्चन किए हैं, पहला क्वेश्चन किया है, तो नंबर दो भाई मुझे यहाँ पर, तब जाके मेरे सेकंड क्वेश्चन को चेक करना और उसमें भी नंबर देना। जब नंबर मिल जाने हैं तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट फिर क्या आएगा। ठीक, दोबारा से, क्या इच्छा है आपकी? एग्जाम में पास होना। कैसे होगे? 100% अटेम्प्ट करके। 100% अटेम्प्ट कैसे होगा? जब अच्छे से हर तरीके से हर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाओगे। अभी टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, 100% मुझे करके जाना है, राइट? पहला टारगेट रखो कि हर कंसेप्ट को मैं 100% करके जाऊंगा या करके जाऊंगी। अब ये किया, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जब पेपर आएगा, जब आप पेपर में एग्जाम सेंटर में जाओगे, तो उससे पहले बस एक टारगेट माइंड में होगा कि मुझे 100% अटेम्प्ट करना ही करना है, अच्छे से करना है, प्रेजेंटेशन के साथ करके आना है। अभी मैंने क्यों चल दिया था कि एग्जाम से मैं जब निकलूं तो मेरे फेस पर ऐसी स्माइल हो कि मेरे पेरेंट्स उस स्माइल को देख कर सेटिस्फाई हो जाए। पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रिलीफ देना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं भाई, जब तक उनको
एक रिलैक्सेशन नहीं दोगे। अरे क्या मांग रहे हैं वो, आपकी मार्कशीट में बस वो पास मांग रहे हैं, ये वर्ड चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत नहीं करते हो, नो, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर लो अपना, थोड़ी सी ये सीखने लग जाओ कि मुझे ये मत समझो कि मुझे कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट तो समझना है ही, साथ में थिंकिंग रखो कि पेपर में यदि ये क्वेश्चन आएगा ना कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से रिलेटेड, यदि 5 मार्क्स में आया, क्या मेरे पास मैटर है इतना कि मुझे लिखना क्या है, पूरी क्लैरिटी होगी तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपका एग्जाम आपको क्लियर ना होने दे। क्लैरिटी के साथ जाना, आप याद करके जाते हो, समझ के जाते हो, सीधा पेपर में जाके सोचते हो कि मैं लिखूं क्या, तो कैसे क्लियर होगा एग्जाम। क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यदि 5 मार्क्स में आता है तो मुझे इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने होंगे, अपने टिक मार्क करके रखो और बार बार उन्हीं को ही रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे तो पेपर 100% आपका फाइनलाइज होगा, अच्छे से अटेम्प्ट क्लियर होगा। ये एक क्वेश्चन की बात नहीं बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में ऐसी स्टेबिलिटी आया तो कौन से ऐसे पॉइंट है, मुझे कैसे कैसे लिखने हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, निकल सकते हैं, उनको डिटेल में समझोगे तब जाके आएगा। अब बर्डन मैं बढ़ा नहीं रही हूँ आपका, आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, लेक्चर्स को देखते जाओ, आपको 100% की कवरेज के साथ दे रही हूँ, नहीं छोड़ रही हूँ आपका कोई भी टॉपिक भाई, बेशक फ्री में कॉस्ट में दे रही हूँ तो इसका मीनिंग ये मत समझो कि मैंने लेक्चर्स में कुछ छोड़ दिया है, सब कवर करके दे रही हूँ, पर लेक्चर्स को देखो तो सही आप। चलिए आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, राइट? ठीक है, होप रखती हूँ कि आप अच्छे से लेक्चर्स को देखेंगे, देखो ना देखो वो आपके ऊपर है, मेरा कहने की ड्यूटी बनती है ताकि जो बच्चे कनेक्ट हुए हैं उनका कम से कम फायदा हो जाए, आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा तो स्माइल में कहीं ना कहीं एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना, तो आपको जब याद आए कि अच्छा कम से कम उनके लेक्चर्स देखे थे तो उन्होंने ये थोड़ी सी बात बोली थी जो मेरे दिमाग में स्टक कर गई, तो बस उतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। होपफुली बहुत जल्दी मिलेंगे स्टेबिलिटी के लेक्चर्स के साथ। चलिए।